तो गाइज आज हम आ चुके हैं आगरा के मशहूर स्थान लाल किले की बात करते हैं। और यहाँ पर बहुत ही सुंदर इमारत बनी हुई है, ये ताजमहल से करीब 2.5 किलोमीटर की दूरी पर पश्चिम में बना हुआ है। और इससे आगे थोड़ा जाएंगे तो यहाँ का मशहूर चौराहा बिजली घर मिलता है। यह किला अकबर के पौत्र शाहजहाँ ने सन 1573 ईस्वी में इसकी स्थापना कर पाई है। काफ़ी कारीगर उससे मिलकर बना हुआ है, ये काफ़ी समय लगा था इसको बनाने में। वैसे ये आगरा में धरोहर है, यूक्रेन की धरोहर है बात की जाए तो। बट यहाँ के लोगों यहाँ पर काफ़ी घूमने के लिए आते हैं, काफ़ी दूर दूर से पर्यटक घूमने के लिए आते हैं यहाँ पर, काफ़ी विदेशी लोग आते हैं। अभी मॉर्निंग टाइम है और मैं मॉर्निंग में आया हूँ, यहाँ पर करीब मॉर्निंग टाइम हो रहा है, 7:30 बज रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं, पहले देखते हैं टिकट कहाँ मिलता है। तो अभी तो ऑनलाइन सिस्टम हो गया है टिकट का, पहले ऑफलाइन सिस्टम था। ये सारी खिड़कियाँ जो हैं बंद हुई हैं, बंद कर रखी हैं, अभी सब ऑनलाइन हो गया है सिस्टम यहाँ का। और देखते हैं आगे चल के यहाँ का नज़ारा मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों, अंदर जो भी है। तो पहले टिकट ले लेते हैं। दोस्तों ये देखिए यहाँ पर, वहाँ टिकट को ऑनलाइन करने के बाद यहाँ पर टिकट चेक कराना पड़ता है। ये प्रवेश द्वार है, यहाँ से एंट्री होती है अंदर के लिए। यहाँ चेकिंग वगैरह करने के बाद में कोई भी बीड़ी, तम्बाकू, गुटखा या कोई भी और चीज़ें तो नहीं लेकर जा रहा है, इसलिए चेकिंग वगैरह होती है यहाँ पर। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, काफ़ी सुंदर यहाँ इमारत बनी हुई, काफ़ी सुंदर रहे। ये पत्थर लगा हुआ है, बट बात की जाए तो जो हिस्ट्री दिखा जाता है उसमें इसको लाल ईंटों से बनाया गया था काफ़ी समय पहले, ये लाल ईंटों से बनाया हुआ था। सो गाइज हम लोगों ने यहाँ पर आने के बाद में गाइड्स कर लिए हैं और अभी इनसे मिलाता हूँ मैं आपको थोड़ा सा। आप वीडियो में बने रहिए, काफ़ी इन्जॉय आएगा, काफ़ी अच्छा लगेगा आपको वीडियो में। और मैं अभी देखिए इनसे इंट्रोडक्शन कराता हूँ। क्या नाम है आपका? माय नेम इज़ अब्दुल करीम सर, ठीक है। मैं लोकल गाइड हूँ आगरा फोर्ट के अंदर सर। तो दोस्तों वीडियो आप पूरा स्किप मत करना, पूरा वीडियो देखना। आप देखने आए, इसको बोलते हैं आगरा फोर्ट, रेड फोर्ट नहीं है, रेड फोर्ट दिल्ली के अंदर है। आगरा फोर्ट को थर्ड मुगल एम्परर अकबर ने स्टार्ट किया था 1565 के अंदर, और 1660 के अंदर इसको औरंगजेब ने इसको कंप्लीट किया था। इसको फोर मुगल जनरेशन द्वारा कंप्लीट किया गया, अकबर, अकबर सन जहांगीर, जहांगीर सन शाहजहां, शाहजहां सन औरंगजेब। इसको बनने में 95 ईयर्स लगे, 95 साल। उस ज़माने का 35 लाख रुपए का खर्चा आया, 4000 मजदूर पैडेस में काम किया करते थे। इसके इंजीनियर थे मोहम्मद कासिम खान थे, जो ईरान के रहने वाले थे। बादशाह अकबर ने अपने ज़माने में इसको दो भागों में डिवाइड कर दिया था, 75% का भाग एंड 25% का भाग। 75% का भाग अपनी आर्मी को दे दिया था अपनी सुरक्षा के लिए। उजमा ने सर इसमें आर्मी लगी है, मुगल समय मुगल आर्मी, ब्रिटिश समय ब्रिटिश आर्मी, नाउ द इंडियन आर्मी। 25% पार्ट जो है रॉयल पार्ट है, जो विजिटर के घूमने के लिए। वैसे पूरा किला 2.5 किलोमीटर के राउंड में बना हुआ है। जिस गेट से आप एंटर करके आए थे वो था अमर सिंह गेट। अमर सिंह राठौर थे, चीफ कमांडर थे शाहजहां के दरबार में, उनके नाम पे उस गेट का नाम अमर सिंह गेट पड़ा। जो लकड़ी का वुडन ड्रॉब्रिज, उस एलिफेंट की मदद से उसको बंद किया जाता था, उसको खोला जाता था, आज उसको फिक्स कर दिया गया है। आज वो 12 फीट का बना हुआ, मुगल ज़माने में 35 फीट लंबा होता था। आप सेकंड गेट में पहुंचे, यह है वेलकम गेट, जहाँ पे आपकी ये बॉडी चेकिंग की गई है। उस ज़माने में यहाँ पे बादशाह जब एंटर करते थे, दोनों साइड में ड्रम्स बजते थे, म्यूजिक बाय प्लेड है, ऊपर से दासी द्वारा रेस्पेक्ट कहता था फ्लावर से। अगर ओरिजिनल गेट की हाइट देखते हैं तो ओरिजिनल तौर पर ये गेट वहाँ से होता था। इसको शॉर्ट करके जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के ज़माने में इसको शॉर्ट किया गया है। गेट है, यहाँ से आपने पीछे के दो गेट देखे, अब आपको जिगजैग में नजर आएगा, क्योंकि आप पहले गेट से दूसरे गेट पे आए तो आपको पहला गेट नजर नहीं आ रहा। आप तीसरे गेट पे पहुंचेंगे तो आपके दोनों गेट नजर नहीं आएंगे। जिस जिगजैग में बनाया गया, अगर एनिमी अटैक करता था तो कंफ्यूज हो जाता था उसका फादर, जो मुगल की मिलिट्री उठाती थी, हैवी हैवी स्टोन रोलर के ऊपर से रोल डाउन किया जाता था। ये मोज़ाइक बर्स उस जमाने के अंदर, 45 मीटर का रैंप बनाया गया। अगर दुश्मन अंदर फिर भी अटैक कर जाता था तो बड़े बड़े हैवी हैवी स्टोन्स रोलर को रोल डाउन किया जाता था। ये बोथ साइड में 20 ऊपर से ड्रेनेज सिस्टम है, 20 इनसाइड में, हॉट ऑयल एंड हॉट वाटर, वेलकम टू एनिमी। इसके बाद हम लोग लेफ्ट साइड में जो है इंडियन मिलिट्री रहती है, मुगल जमाने में मुगल की फौज रहती थी, ब्रिटिश जमाने में ब्रिटिश की फौज में, नहीं अपोजिट साइड में, इस वॉल के अपोजिट साइड में आगरा कैंट एरिया, छावनी एरिया। हम लोग राइट साइड से विजिट करेंगे जहांगीरी पैलेस के अंदर से, और पूरा घूमने के बाद वापस यहीं आ जाएंगे। आने और जाने के लिए यही गेट है हम लोग, लेकिन टर्न करेंगे, ये देखिएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पर जो हम ताली बजा रहे हैं, काफ़ी अच्छी आवाज़ आ रही है यहाँ पर, आवाज़ गूंज रही है यहाँ पर देखिए। और ये जो दीवार बनी हुई है,
ये लाल ईंटों की दीवार बनी हुई है, बनाई गई थी जिससे अगर हॉर्सेस की जो हॉर्सेस के टक टक की आवाज आती थी उससे मिलिट्री अलर्ट हो जाती, तब बड़े बड़े स्टोन रोलर के ऊपर से रोल डाउन किया जाएगा। चलिए दोस्तों चलते हैं आगे। सर जहांगीर पैलेस के अंदर से सर और पूरा विजिट चलने के बाद बाकी सही आ जाएंगे, आने और जाने के लिए यही गेट है, वन वे एंट्री वन वे इज द एग्जिट। ये सिंगल पीस में बना है, इसमें कोई जॉइंट नहीं है, इसमें अंदर बाहर स्टेप्स लगे हुए हैं। ये पहले अकबरी पैलेस में रखा था, अकबरी पैलेस के डैमेज हो जाने के कारण इसको यहाँ पे सो में रख दिया गया। ये जहांगीर के मामा थे राजा भगवान दास, ये सिंगल पीस में उन्होंने गिफ्ट दिया था जहांगीर के बर्थडे पर। ये सिंगल पीस में बना है, इसमें कोई जॉइंट नहीं है, इसमें अंदर बाहर स्टेप्स लगे हुए हैं। ये जो बना हुआ है ये कुंड बना हुआ है, ये जहांगीर का नहाने का बाद कब है, ये यही सिंगल पीस में बना है, इसमें कोई जॉइंट नहीं, इसमें अंदर बाहर स्टेप्स लगे हुए हैं। पहले अकबरी पैलेस में रखा था जिसमें नीम ट्रीज है, वो सामने उधर कराइए, नीम ट्रीज में रखा हुआ था साइड में, उसके डैमेज हो जाने के कारण गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको यहाँ पे सो की वजह से रख दिया गया। सर अगर आप ये देखते हैं सामने, ये थ्री स्टार आपको नजर आ रहे हैं ऊपर, फर्स्ट इज ब्रह्मा विष्णु महेशा, जी फॉर जनरेटर, ओ फॉर ऑपरेटर, डी फॉर डिस्ट्रॉयर, जी ओ डी गॉड, अकबर दी ग्रेट, ऑल द रिलीजियंस इज रिस्पेक्टेड आर हियर इन दीन इलाही, दीन मीन्स रिलीजियंस, ए माने ऑफ इलाही माने गॉड। बादशाह अकबर थे सारे धर्मों को रिस्पेक्ट किया करते थे, वो तो औरंगजेब थे जो ऑर्थोडॉक्स थे, जो अपने धर्म के अलावा किसी धर्म पे बिलीव नहीं करते थे। इसमें आप ये बोथ साइड में ये लोटस फ्लावर देख रहे हैं मार्बल में, जबकि लोटस फ्लावर ऊपर साइड में रेड सैंड स्टोन के अंदर बना हुआ। रेड सैंड स्टोन जो है अकबर और बादशाह ने, अकबर और जहांगीर बादशाह ने इसको कंप्लीट करवाया था, और व्हाइट मार्बल जो है शाहजहां बिल्डर ऑफ द ताजमहल है। सर ये गेट जो आप देख रहे हैं ये मुस्लिम आर्किटेक्चर डिजाइन है, और ये लोटस फ्लावर जो है हिंदू आर्किटेक्चर से, ये थ्री स्टार भी जो है ये हिंदू आर्किटेक्चर है, ये बादशाह अकबर ने दीन इलाही धर्म चलाया था इसके वजह से बनाया गया था। सर टेम्पल हुआ करता था जहाँ पे भगवान कृष्ण की आप आराधना करने के लिए आया करती थी, बाद में जो उसको ले आके फतेहपुर सीकरी में ले आके शिफ्ट किया गया है, इसको बताते हैं डैमेज कर दिया गया, अगर डैमेज कर दिया गया होता तो ये जगह कवर्ड कर दी जाती सर, क्योंकि भगवान कृष्ण के यहाँ पे स्टेचू वगैरह रखे जाते थे लॉर्ड कृष्णा के, और ये सोने चांदी की मूर्ति वगैरह होती, इसको खाली स्थानांतरित किया गया इसके किसके वजह से। तो ये गाड़ी बात करेंगे सर, गाड़ी के अपोजिट साइड में या भगवान कृष्ण के स्टेचू वगैरह लगा है, इस प्रकार ये खंडित कर दिया गया है। ये काउंटिंग कितने होंगे, लगभग 37 जी, मतलब ये जो बने हुए हैं ये 37 के समथिंग होंगे। मैं एक बार देखते हैं, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 26 हैं टोटल। मंदिर अगर होता हम लोगों को सुबह बाहर ही उतारना पड़ता। इसको स्थानांतरित करने का मेन रीजन ये था कि मुगल जमाने में इस फ्लोर में डांस वगैरह किया जाता था, मुजरा उतरे यहाँ पे ऊपर टॉप में जो है फादिशा बैठते थे, बाकी तीनों साइड में मिनिस्टर्स, एम्बेसडर एंड लीगल एडवाइजर, डाउन साइड में इनकी प्रिंसेस होती थी, उसमें पर्दा सिस्टम यूज किया जाता था, ये चारों तरफ जो विंडो बने यहाँ पे दासियाँ होती थी, यहाँ पे यूनिक जो होते थे हिजड़े लोग वो यहाँ पे डांस वगैरह करते, इसके वजह से इसकी बेदबी ना हो सके इस वजह से स्थानांतरित करवाया गया था। ये मुगल जमाने का डाइनिंग हॉल है, इसके पीछे साइड में रॉयल किचन है, रॉयल किचन को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉक कर दिया है पब्लिक की वजह से। सर ये मुगल जमाने का बेडरूम है, उस जमाने में पलंग वगैरह होते नहीं थे, कारपेट्स वगैरह बिछाए थे, डून नहीं होते थे, कार्टन का प्रयोग किया जाता था। इसमें जितनी भी ये डिजाइन बना हुआ है ये सारा राजस्थानी आर्किटेक्चर डिजाइन के अंदर बना हुआ है, ये सारा हिंदू आर्किटेक्चर डिजाइन है। सर पहले सुबह करता था, उस जमाने में इलेक्ट्रिसिटी थी नहीं, मोटर थी नहीं, इसको हवा और पानी के द्वारा कमरे को कूल किया जाता था, खोखली दीवारों के अंदर पानी चलाते थे जिससे कमरा ठंडा हो जाता था, ठंडा होने के बाद पानी इस होल से पानी यहाँ से निकलकर यहाँ से टर्न होता हुआ पानी इस होल से होता हुआ पानी आउटलेट ले जाता था। ये मुगल जमाने का समर पहले से। अब हम सामने से यहाँ से देखेंगे, यहाँ से आपको ताजमहल का व्यू नजर आएगा, यहाँ से आपको ताजमहल का व्यू नजर आएगा, और आगरा फोर्ट की सेफ्टी के लिए किले के चारों तरफ दो मोट बनाए गए थे, खाई दो खंडक बने हुए हैं। सामने देखिए पहले आगे पानी वाली खाई है जिसमें बाहर वाले गेट में लकड़ी का वुडन ड्रॉबिस लगा हुआ था जिसको एलिफेंट की मदद से उसको बंद किया जाता था, उसको खोला जाता था। साइड में ये जंगल वाली खाई बनाई गई जिससे कोई दुश्मन बाहर से अंदर अटैक ना कर सके, ये किले की सेफ्टी के लिए किले के चारों तरफ बनाए गए थे, क्योंकि बॉटम टू टॉप ये 40 फीट है, ये बॉटम
अंदर की साइड में देखना चाहेंगे तो देख नहीं पाएंगे, इम्पॉसिबल। और ये सामने जो ये यमुना रिवर है उस जमाने में, एक सेकंड इस साइड के लिए देखिएगा, ये उस जमाने में यमुना रिवर, उस जमाने में यमुना रिवर आगे वाली खाई से टच होकर पानी चलता था, सामने वो ताजमहल है। एंटर कर रहे हैं ये समर पैलेस है, अंदर की दीवारें सारी हॉलो हैं, हॉलो वॉल के अंदर पानी को चलाते थे जिससे कमरा कूल ले आता था। अब आप दोनों एक दूसरे से टॉकिंग करेंगे इसके अंदर। मतलब खोखली दीवार है, पता कैसे खोखली है, एक बंदा इस कॉलोनी में चला जाए दूसरा बंदा उस कॉलोनी में चला जाए। तो देखिए सर वाइब्रेट कर रही है बिल्डिंग, मैं एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ, पूरी बिल्डिंग जो है वाइब्रेट कर रही है क्योंकि उस जमाने में मैनुअल पंप का इस्तेमाल किया जाता था, मैनुअल पंप से ऊपर टैंक में पानी को स्टोरेज किया जाता था, जो खोखली दीवारों के अंदर पानी ऊपर गुजारते थे जिससे कमरा नेचुरल तौर पर एसी हो जाता था और एसी होने के बाद पानी निकलकर आउटलेट हो जाता था। सर समर पहले सर बेडरूम था, शाहजहानी महल है, जो मुगल जमाने में बेडरूम होता था उस जमाने में पलंग वगैरह होते थे, कारपेट्स वगैरह बिछाए जाते थे, डोर नहीं होते थे, कर्टन का प्रयोग किया जाता था, बिहाइंड साइड में चार साइड में फोर हैंगर से हैंगिंग तक कर्टन का प्रयोग किया जाता था उस जमाने के अंदर, इसको अपनी पब्लिक ने खराब कर रखा था। और आप बाहर जाके जब आप अंदर साइड में देखेंगे तो ये विंडो आपको बंद नजर आएगा, लेकिन ये बंद नहीं है, स्लोप पे बनाया गया है, यहाँ से हवा टकरा कर आती थी जिससे कमरा नेचुरल तौर पर एसी हो जाता था। ये पूरा मुल्तानी मिट्टी है सर, इसके ऊपर अपनी गवर्नमेंट ने प्लास्टर करवा दिया, चुन्नी का प्लास्टर। ओके, रेड सैंडस्टोन की बिल्डिंग फिनिश हुई, व्हाइट मार्बल की बिल्डिंग स्टार्ट हुई, हम शाहजहां के लिविंग पार्ट के अंदर चलने वाले हैं। हिंदुस्तान सोने की चिड़िया होती थी। अब हम नेक्स्ट अपोजिट साइड में पहुंचेंगे, वो शाहजहां मुमताज का बेडरूम है, शाहजहां मुमताज के बेडरूम के अपोजिट साइड में जहानआरा का पैलेस बना हुआ जो सेम डिजाइन में बना हुआ सर। सो गाइस ये आप देख रहे हो व्हाइट कलर की संगमरमर लगा हुआ है यहाँ पर, और यहाँ से आप देखो बहुत ही सुंदर है, यहाँ से सामने जस्ट सामने ताजमहल दिख रहा है, ये देखिए ताजमहल, यहाँ पर पार्क भी बन गया है काफ़ी, और ये खाई जो देख रहे हो आप काफ़ी नीचे खाई है यहाँ पर, ये देखिए, और ये जो यहाँ सामने ताजमहल साफ दिख रहा है, ये देखिए बहुत ही सुंदर है। सर हम लोग चलने वाले हैं खास महल में, इसमें हवा लग रही है क्योंकि उस जमाने में अगर यमुना रिवर आगे वाली खाई से टच होकर पानी चलता तो कमरा इस पर नेचुरल तौर पर एयर कंडीशनिंग हो जाता, एसी लगवाने की जरूरत ही नहीं सर, ये मुगल जमाने के नेचुरल एसी है, ये जाली वर्क है, उस जमाने में यहाँ से हवा फिल्टर होकर आया करती थी सर। ये देखिए काफी यहाँ पर दोस्तों, ये पहले एसी नहीं थी तो कितना लोगों के अंदर टैलेंट था कि एसी की जरूरत ही नहीं है, नेचुरल ही हवा, इसका आनंद ही कुछ और है। खास महल, खास मीन्स प्राइवेट पैलेस, शाहजहां मुमताज का बेडरूम, शाहजहां को मार्बल पसंद था जबकि शाहजहां के पापा और दादा को लाल पत्थर खत्म हुआ, मार्बल स्टार्ट से इस सीलिंग में जितनी भी आर्चेस वगैरह फूल पत्ती वगैरह देख रहे हैं इस तरीके का ब्लू एंड येलो कलर का डिजाइन हुआ करता था, ये 24 कैरेट गोल्ड होता था, मुगल जमाने में इसको जला जला के लूटा गया क्योंकि हीट के कारण जो है सोना पिघल जाता है, ऊपर साइड में फोर हैंगर से, उस जमाने में इलेक्ट्रिसिटी थी नहीं, फैन वगैरह थे नहीं, हैंड फैन यूज किया जाते थे, हैंगिंग द कारपेट फैन। सर मुमताज से जो है 14 बच्चे हुए थे जिसमें 7 बच्चों की जो है डिलीवरी के समय में डेथ हो गई थी, 7 बच्चे जिंदा थे, इसमें 4 लड़के थे 3 लड़कियां थी, बादशाह शाहजहां की, बादशाह अकबर के सबसे बड़े, सॉरी शाहजहां के जो सबसे बड़े बेटे थे जिनका नाम था दारा सिको, सेकंड थे शाह शुजा, थर्ड थे औरंगजेब, फोर्थ थे मुराद। औरंगजेब ने 3 वाइफ मर्डर करके खुद को बादशाह घोषित किया और अपने पापा को सी किले के अंदर कैद कर लिया गया। बादशाह शाहजहां की 3 डॉटर थी, रोशनआरा, जहानआरा, गोहानआरा। मुमताज की जब डिलीवरी के समय में डेथ हुई थी उस समय पर गोहानआरा हुई थी, गोहानआरा
के मरने के बाद जो है सॉरी गोहन आरा के मुमताज़ के मरने के बाद गोहन आरा की को भी आर्टिफिशियल तौर पर बुरहानपुर के अंदर दफना दिया गया। बादशाह शाहजहाँ से मुमताज़ ने प्रॉमिस लिया था कि जहाँ पे मेरी बॉडी को दफनाएंगे वहाँ पे एक ऐसी बिल्डिंग का निर्माण करेंगे जिसे दुनिया याद रखे। मुमताज़ की बॉडी को वहाँ से निकालकर ताजमहल के एक बाग में दफनाया गया था। सर बादशाह के ज़माने में पलंग वगैरह होते नहीं थे, कारपेट्स वगैरह बिछाए जाते थे, दूर नहीं होते थे, कर्टन का प्रयोग किया जाता था। लेकिन यहाँ पे जो है आप ओपन साइड बेडरूम देख रहे हैं, उस जमाने में रॉबरी वगैरह होती नहीं थी सर। अगर रॉबरी नहीं होती थी इस वजह से ये ओपन पड़ा हुआ है सर। छोटे छोटे फाउंटेन आप देख रहे हैं, ये मुगल ज़माने में 32 फाउंटेन है। उस ज़माने में इलेक्ट्रिसिटी थी नहीं, उस ज़माने में इलेक्ट्रिक मोटर थी नहीं, उस ज़माने में मैनुअल पंप चलते थे। मैनुअल पंप से ऊपर टैंक में पानी को स्टोरेज किया जाता था। वो सामने देखिए वो पानी स्टोरेज टैंक है, वहाँ से जब पानी को छोड़ा जाता था तो यहाँ पर पानी ग्रेविटी फोर्स के द्वारा प्रेशर से पानी आता था। जब यहाँ पानी ओवर हो जाता था वहाँ से निकलकर आउटलेट। ये 5 फाउंटेन है, इलेक्ट्रिक फाउंटेन है, जो इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाले फाउंटेन है। क्योंकि डाउन साइड में अगर आप देखते हैं ये 9.5 डायमीटर है, इसके ऊपर जो है 4.5 डायमीटर है, इसके ऊपर 2.5 डायमीटर, सबसे ऊपर टॉप में 1.5 डायमी, इससे बनेगा प्रेशर। क्योंकि नीचे से जब हम ऊपर नीचे से मोटा करके ऊपर पतला लेके जाते हैं तो इससे बनता है प्रेशर। यहाँ पे ग्रेविटी फोर्स के द्वारा प्रेशर से पानी आता था। ये ईस्ट इंडिया कंपनी के ज़माने में 5 फाउंटेन लगवाए गए। ये 2 स्टोरीज की बिल्डिंग आप तीनों साइड में देख रहे हैं, ये सारे सर्वेंट क्वार्टर रूम्स हैं, 86 लोगों के रूम से बने हुए। ये 4 साइड के अंदर एक गार्डन होता था, अंगूर का बाग, जिससे वाइन बनाई जाती थी। क्योंकि बादशाह जहांगीर शराब के शौकीन हुआ करते थे, इसको जो है नूर जहां के ज़माने में बिल्ड किया गया था। ऊपर साइड में आप देखें पूरे राउंड में रिंग्स नजर आ रहे हैं। यहाँ पर उस ज़माने में दरवाजे नहीं होते थे, कर्टन का प्रयोग किया जाता था। अगर ऊपर आप गौर से देखें ये माउथ बना हुआ एलिफेंट का, ये माउथ एलिफेंट का, ये ऊपर जो है इसकी सूंड, ये ट्रंक है वेलकम ऑफ द पब्लिक। सर आप यहाँ पे आ जाइएगा आप लोग। सर ये मुगल दौर के अंदर ये जो है ये नौकर दासियों की जेल हुआ करती थी सर। यहाँ पे इनमें आपस में लेडीज में जब झगड़ा हो जाता था उनको कुछ समय के लिए पनिशमेंट के लिए बनाया गया था सर। अब हम चलेंगे सर इस साइड में, ये शीश महल है, मुमताज का नहाने का रॉयल बाथ। बंद कर रखा है, ताला लगा रखा है यहाँ पर। ये ताला लगा रखा है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्योंकि पब्लिक ने इसमें पूरे साइड में नाम वगैरह लिख दिया था, इसके वजह से इसको लॉक किया गया है सर। इसमें छोटे छोटे से ग्लासेस लगे हैं, उस जमाने में जो है टू कैंडल की रिफ्लेक्शन पड़ती थी तो चारों तरफ जो मुमताज के फेसेस नजर आते थे। इस वक्त ये बंद कर दिया गया ऑफिशियल तौर पर जो है सर। इसमें 2 टैंक है, ठंडे पानी के लिए, गर्म पानी के लिए, ठंडा पानी करने के लिए। उस जमाने में यमुना रिवर से पानी को सप्लाई किया जाता था। ऊपर बना शाही हमाम, शाही माने रॉयल, हमाम माने बाथ। जब वहां से पानी को स्टोरेज करने के बाद पहले टप में पानी आता था। लेकिन बादशाह के जमाने में इलेक्ट्रिसिटी थी नहीं, गीजर का प्रयोग कैसे करते थे पानी गर्म करने के लिए। उस जमाने में दूसरे लाइन से पानी आता था, वो कॉपर की लाइन के ऊपर से होकर गुजरता था और नीचे ऑयल लैंप जलते थे, ऑयल लैंप को पानी हीट करता जिससे पानी गर्म होकर पहले टप के अंदर पानी आता था। ये मुगल जमाने की गीजर सिस्टम है सर। अब हम इसके बाद चलेंगे यहाँ पर दीवाने खास में जो प्राइवेट सॉरी अब हम चलने वाले टास्क पे ही फोकस करिएगा और आप धीरे धीरे वॉक करते हुए चलेंगे तो ऐसा लगेगा ताजमहल आपको पीछे जाते हुए नजर आएगा। चले सर देखते चलें, ताजमहल पीछे ही जाएगा इसके बाद में, छोटा होते हुए चलेगा सर। जा रहा है सर, वाकई में दोस्तों ताजमहल तो काफ़ी दूर ही जाता जा रहा है, हम जैसे पास आ रहे हैं वो दूर ही जा रहा है। देखिए छोटा ही होता जा रहा है कैमरे में, बहुत ही अच्छी हवा लग रही है। सर इसमें से ये ऑप्टिकल इल्यूजन, वहाँ से जब आप देख रहे थे सर कॉर्नर से ताजमहल हमको इसको बड़ी में नजर आ रहा था सर, ये हमको कैंपिंग नजर नहीं आ रही। जैसे जैसे आप धीरे धीरे आगे बढ़ते गए कैंपिंग हमको नजर आते हुआ गया। ताजमहल अपनी पोजिशन में, ताजमहल अपनी पोजिशन में हमारे देखने का नजरिया चेंज हो रहा है। देखिए दोस्तों ये दीवाने खास वाकई में खास है, इसमें कुछ तो कुछ खास बात है इसीलिए इसको दीवाने खास कहा जाता है। टॉप में अगर आप देख रहे हैं सर ऊपर साइड में पूरे राउंड में ये होल्स बने हैं, अगर यहाँ पे भी अगर देखना चाहे तो पूरे राउंड में ऊपर होल्स बने हैं। उस जमाने में इलेक्ट्रिसिटी थी नहीं, उस जमाने में गोल्डन टॉर्च का प्रयोग किया जाता था, ये मसाल लगाई जाती थी जिसमें मस्टर्ड ऑयल का प्रयोग किया जाता था सर। अब हम चलने वाले शाहजहाँ के बंदी गृह पे, जहाँ पे शाहजहाँ को उनके बेटे औरंगजेब ने 8 साल तक शाहजहाँ को हाउस अरेस्टेड करके रखा गया था सर। 8 साल तक सर। संबंध का मतलब होता है ऑक्टा
ज़ोनल टावर जिसमें अष्टम 8 विंडोज हैं सर, ये 8 विंडोज बनी हुई है। इसी के अंदर बादशाह शाहजहां को 8 साल तक औरंगजेब ने अपने पापा को हाउस अरेस्टेड किया था। इसमें बादशाह शाहजहां जेल में बंद नहीं थे, अगर शाहजहां इसमें जेल में बंद होते तो ये जगह सलाखों से पैक किया थी। इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 5 साल पहले इसको लॉकिंग किया गया अपनी पब्लिक के द्वारा, मिरर लगा था, मिरर की रिफ्लेक्शन के कारण ऐसा लगता था ताजमहल बिल्कुल के करीब में। 22 जनवरी 1666 को यहीं पे शाहजहां की मौत हो गई, उनको ले जाके मुमताज के बगल में ताजमहल के अंदर दफना दिया गया। मुमताज की ओरिजिनल डेथ बुरहानपुर के अंदर हुई जो मध्य प्रदेश के अंदर है, 1631 में मुमताज की 8वें महीने में जो है डिलीवरी के समय में उनकी डेथ हुई थी और वहीं पे 14वीं बच्ची का जन्म हुआ था, इसका नाम था गोहन आरा सर। मुमताज ने तो बादशाह से प्रॉमिस लिया था वहां से उनकी बॉडी को निकालकर ताजमहल के एक बाग में दफनाएगा, एक बाग में दफनाएगा, तीसरे समय में ताजमहल के अंदर दफनाया गया सर। ये नीचे डाउन साइड में अगर आप देखें तो ये उस जमाने में टॉयलेट रूम हुआ करता था 10 फीट नीचे, और ये उस जमाने में नहाने की जगह थी सर। सी स्मेल जो आपने अपोजिट साइड से देखा था सर, ये छोटे छोटे आप डिब्बे देख रहे हैं, ये उस जमाने में लूडो गेम था सर, चौपड़ गेम था ये, जो सकनीमा में खेलते थे जो गोटी से, लेकिन ये शतरंज वाला गेम नहीं था। यहाँ पे हरम के अंदर स्त्रियाँ बैठाई जाती थी, यहाँ पे बादशाह बैठते थे, यहाँ पे हरम के अंदर स्त्रियाँ बैठती थी जिससे टाइम पासिंग की जाती थी सर। उस जमाने में टाइम पासिंग के लिए फेसबुक व्हाट्सअप ट्विटर वगैरह नहीं था सर, ये उस जमाने में टाइम पासिंग के साधन हुआ करते थे सर। इसके बाद हम चलेंगे सर ऊपर दीवाने खास पर सर, लेकिन इससे पहले आप यहाँ देखिएगा थोड़ा सा, ये मुगल जमाने में वाटर टैंक की सप्लाई है सर, यहाँ से पानी ग्रेविटी फोर्स के द्वारा प्रेशर से फाउंटेन में पहुंचाया जाता था सर। फाउंटेन में यहाँ पे पहुंचाने के बाद बादशाह शाहजहां यहाँ पे वजू किया करते थे, वजू करने के बाद ऊपर मस्जिद में मीना मस्जिद में नमाज के लिए जाते थे, नमाज पढ़ने के बाद अपने स्थान पर वापस चले जाते थे। वजू बोलते हैं हाथ वगैरह धोने को, चेहरा वगैरह धोने को, उसको बोला जाता है वजू। सर ये वो जगह है, इसको बोलते हैं सुरंग वाला रास्ता, सारा ये रास्ता जो है यमुना रिवर को टच करता है, यमुना रिवर के किनारे बोट खड़ी होती थी, बोट की सहायता से ताजमहल के अपोजिट साइड में जाते थे और ताजमहल का नीचे का बंकर ओपन होता था, वहां से ताजमहल जाने के लिए शॉर्टकट रास्ता हुआ करता था सर। उस जमाने में ये रास्ता डायरेक्ट ताजमहल को टच नहीं करता है क्योंकि उस जमाने में इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी जो पानी के अंदर से कोई रास्ता निकल जाएगा सर, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड हम छोड़ते हैं और ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करते हैं, हमको हर जगह पर टक देना पड़ेगा, टक नहीं देंगे तो हमारी मौत हो जाएगी सर। सर ये ऊपर जाके जो है ये मीना मस्जिद है, जब बादशाह शाहजहां को नीचे हाउस अरेस्टेड किया गया था उस समय पे शाहजहां इसमें नमाज के लिए जाते थे, नमाज पढ़ने के बाद अपने स्थान पर वापस, क्योंकि बादशाह शाहजहां इसमें नजरबंद थे, जेल में बंद नहीं थे, नजरबंद का मतलब होता है इस किले में बादशाह शाहजहां कहीं पे भी जा सकते थे, इस किले के बाहर नहीं जा सकते थे सर, बंद कर रखा है। सीधे दीवाने खास में जो प्राइवेट मीटिंग हाउस है सर, सर ये नीचे जाने का रास्ता है, ये सीधे पार्क में जाने के लिए रास्ता है, ये अपने गवर्नमेंट ने इसको पब्लिक के बेसिस को लॉक कर दिया गया सर। सर ये देखिए सामने ये सीमी स्प्रेसेस स्टोन से अपनी पब्लिक के द्वारा इसको स्क्रैच किया गया, इस वजह से इसको लॉक किया गया सर। यही जगह कहलाती है दीवाने खास, दीवान मिस कोर्ट, खास मिस स्पेशल। ये मुगल जमाने का पार्लियामेंट हाउस है, यहाँ पे कॉन्फिडेंशियल डिस्कस होता था, किंग्स मिनिस्टर्स के बीच में गुप्त बातचीत होती थी, गुप्त फैसला होता था, और यहाँ का जो फैसला होता था वो भरे दीवाने आम सभा में पब्लिक के बीच में अनाउंसमेंट कर दिया जाता था सर। इस जगह पे सर अगर आप देखें कि नीचे देखिए आप लोग पूरे राउंड में इसमें रिंग्स नजर आ रहे हैं, ये पूरे यही वुडन टॉर्चेस के लिए बनाए गए, और ये ऊपर और नीचे मिलाकर जितने भी कमरे बंद पड़े हुए हैं ये उस जमाने में रिकॉर्ड रूम्स होता था, ऑफिशियल से रिकॉर्ड रूम, यहाँ पे कागज पेपर्स वगैरह रखे जाते थे मुगल जमाने में, इसकी देखरेख जो मीर बख्श किया करते थे सर। आज ये आपको पार्क नजर आ रहा है, बादशाह के जमाने में कोई पार्क नहीं था, ये वाटर टैंक होता था, ये फिश पॉन्ड था, ये मच्छी महल है, ये भी टाइम पासिंग के लिए होता था बादशाह दौर के अंदर सर। इसके बाद आप थोड़ा आगे आएंगे सर, इसमें दो सीट्स है सर, एक काले पत्थर की सीट है, सामने एक ये व्हाइट पत्थर की सीट है। काले पत्थर की सीट जो है प्रिंस जहांगीर का सिंहासन है, 1602 में सबसे पहले इसमें जहांगीर बादशाह बैठे, जिनके वजीर का वजीर बोलते हैं प्राइम मिनिस्टर को, प्राइम मिनिस्टर की सीट लोवर है जबकि राजा की सीट 2 इंच ऊंची है सर। सर ये प्राइम मिनिस्टर की सीट है, सामने जो है
वो प्रेसिडेंट की सीट है। प्रेसिडेंट की सीट 2 इंच ऊंची है, 2 इंच नीचे है सर। यहाँ पे कॉन्फिडेंशियल डिस्कस होता था समर एंड विंटर के अंदर। समर के समय में मार्बल में डिस्कस होता था, जिससे जो एरिया चिल्ड रहता था, और ये विंटर सीजन में सनलाइटिंग के लिए होता था सर। अगर रेनी सीजन हो जाए तो नीचे पूरे राउंड में रिंग्स नजर आ रहे हैं, यहाँ पे कवर्ड किया जाता था टेंट से। अगर आप पीस से देखें सर, ये पीस क्रेक हो रहा है सर, थ्रोन जो है क्रेक है। सामने जो है ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1803 में फायर किया था, ये वहां से तोप का गोला दागा गया, तो इसमें ये स्लिप कर गया। स्लिप करने से पत्थर ये क्रेक हुआ और यहाँ से बाउंस होकर उसमें जा लगा, जिसमें होल है, जिसमें वो पैरेट घुसा हुआ अंदर रीजन है। पर टॉप के अंदर भी देख रहे हैं ये होल बना हुआ है, इसमें ये डायरेक्ट अगर हिट होती तो बिल्डिंग पूरी डैमेज हो जाती सर। इससे टकराने की वजह से गया, दो टाइम या तीसरे टाइम इसमें गया, ये फ्लोर जो डैमेज हो चुका है, क्योंकि बादशाह के जमाने में कॉन्क्रीट था नहीं, ये देखिए यहाँ पर तोप का गोला लगा हुआ था दोस्तों। सर यही वही जगह है जो हमने शीश महल के पास में आपको बताया था, शाही हमाम। शाही माने रॉयल, हमाम माने बाग। रॉयल फैमिली के लिए रॉयल बाथ यूज किया जाता था, इसी को बोलते हैं वाटर सप्लाई सिस्टम। यहीं से पानी को स्टोर करने के बाद शीश महल के अंदर पानी पहुंचाया जाता था, या अदर साइड में पानी को इसको सप्लाई किया जाता था सर। तो ये दो गेट बने हुए हैं, ये किस वजह से हैं सर? ये दो गेट जो है इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने गेट बनाया गया, ये सिंगल ही गेट होता था, ये न्यू दोबारा सर रिकंस्ट्रक्शन किया गया, पूरी बिल्डिंग की जो है फ्रैक्चर हो चुकी है सर। ये गेट यहाँ तक था, यहाँ से ये क्या चीज है, रिंग्स बताया था आपको सर, कवर के लिए तो टेंट्स के लिए थे। ये गेट किसका है सर? ये जो है उस जमाने में ये फिशिंग्स के लिए होता था, यहाँ पे मुमताज बैठती थी सर उस जमाने के अंदर, क्योंकि ये भी उस जमाने के अंदर मार्बल के अंदर होता था, वो सामने मार्बल है ही है ऑलरेडी, तो यहाँ पे मुमताज शाहजहां मोहम्मद साहब ने बैठ के यहाँ पे फिशिंग किया करते थे। ये पूरा वाटर टैंक होता था 5 फीट गहरा तालाब, इसको अपनी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको पार्क बना के कवर करवा दिया गया सर। सर ये देखिए सभी बिल्डिंगों को जो है पब्लिक ने इसको खराब कर रखा, पूरी बिल्डिंग में नाम वगैरह लिख लेके इसको बर्बाद कर दिया गया, ये सारी बिल्डिंग री ओपन हुआ करती थी सर। सर ये सेकंड मस्जिद है नगीना मस्जिद। नगीना जो है लेडीज मस्जिद है सर, ये हरम की स्त्रियों के लिए बनाई गई थी सर। उस जमाने में जो वर्कर्स लेडीज थी उनकी नमाज के लिए होती थी सर। उस जमाने में जेंट्स और लेडीज को हुक्म यह होता था, आज की उस जमाने में लेडीज को नमाज के लिए घर में हुक्म दिया जाता था, घर में नमाज के लिए पर्दे के अंदर, क्योंकि बेपर्दा नहीं हो सकती, क्योंकि ये नमाज पढ़ने के लिए उस जमाने में ये इसमें जो सिया सुन्नी वाला झगड़ा चल रहा है सर, इसके बंद कर रखा है अभी ये अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी, लेकिन ये 9 बजे के बाद रीओपन होती है मस्जिद जो है सर। अर्ली मॉर्निंग में बिल्डिंगों के हिसाब से इसको अर्ली मॉर्निंग में ही ओपन होना चाहिए, क्योंकि वैसे अगर इसको देखा जाए तो मॉर्निंग में ही इसको प्रेयर करने के लिए ओपन किया जाए। रात को 9 बजे ओपन होती है जी सर। ये जितने भी रूम्स बनने पड़े हुए हैं, ये 20 रूम्स बनी हुई है सर। उस जमाने में ये ऑफिशियल रिकॉर्ड रूम्स है सर, यहाँ पे कागज पेपर्स वगैरह रखे जाते थे, और ये नीचे साइड में जितने भी कमरे आपको बंद नजर आ रहे हैं, ये उस जमाने में ट्रेजरी हाउस था, टकसाल मिंट हाउस, क्योंकि ये उस जमाने का RBI या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, क्योंकि हिंदुस्तान का रोड पहले आगरा से चलता था, आगरा के बाद फतेहपुर सीकरी चला गया। फतेहपुर सीकरी पहुंचने के बाद सर नीचे चलने वाले यहाँ से दीवारे आमका जो पब्लिक ऑडियंस है। दीवानी आम, दीवानी कोर्ट, आम इज पब्लिक, हॉल ऑफ पब्लिक ऑडियंस, हाउस ऑफ कॉमन पीपल। अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब चारों बादशाह द्वारा बारी बारी करके ऊपर बैठ के न्याय किया। ऊपर टॉप में किंग्स, डाउन साइड में वजीर, वजीर होते हैं प्राइम मिनिस्टर को। ये बोथ साइड में 2 विंडो बने, रानी की उसने पावर सिस्टम यूज किया था। ऊपर वाले सारे वेंटिलेटर थे, यहाँ पे मंत्री वगैरह होते थे, बाहर साइड में पब्लिक होती थी, पब्लिक बिगर रीजन के अंदर एंटर नहीं कर सकती थी। जबकि जोधा अकबर मूवीज के अंदर यहाँ पर डांस करते हुए देखा गया था, लेकिन उस जमाने में गेट नहीं होता था, काटन का प्रयोग किया जाता था सर। बादशाह शाहजहां जिस थ्रोन से बैठते थे उस थ्रोन का नाम था पीकॉक थ्रोन, मयूर सिंहासन। जब शाहजहां ने दिल्ली को राजधानी से किया था, शाहजहां द्वारा मयूर सिंहासन को दिल्ली
के दीवाने काम पर ले जाके रख दिया गया। ईरान का लुटेरा नादिर शाह, नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण किया था 1739 को, वो मयूर सिंहासन के रूप के तेहरान ले गया, उसी के अंदर कोहिनूर डायमंड लगा था जो आज इंग्लैंड के अंदर है, जो दो भागों में कटेड है 80% एंड 20%, 80% जो लंदन के म्यूजियम के अंदर है, 20% क्वीन एलिजाबेथ के क्राउन में लगा हुआ था। इस दीवाने आम की खासियत यह है कि आप मिडिल में पहुंच जाएंगे तो आपको ये वाला भी गेट नजर आएगा, आपकी मस्जिद तो देखने वाला वो गेट क्लियर नजर आएगा, आप उसको आगे पे जा सकते हैं। ये आपको देख रहे हैं येलो येलो कलर का जो डिजाइनिंग नजर आ रहे हैं, जो जमाने में पूरा गोल्डन पेंटिंग होता था, ये गोल्डन पेंटिंग था, आज जिसको जो है प्लास्टर जो है पूरा डैमेज हो चुका है सर। शाम को यहाँ पे लाइट एंड साउंड का प्रोग्राम होता था, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कराती थी, जो कोविड से बंद कर दिया गया है। शाम को पब्लिक को वहाँ पे उस कॉर्नर पे जो देख रहे हैं स्टेयर बनी हुई है, वहाँ पे पब्लिक को बैठाया जाता था। ये किले की तीसरी मस्जिद है सर, मोती मस्जिद जो रॉयल फैमिली की प्रेयर करने के लिए होती थी, इस समय पर अंडर कंस्ट्रक्शन एरिया चल रहा है, इस वजह से मस्जिद को लॉक कर दिया गया है। सामने इधर आप देखें ये कॉर्नर पे जो है ये अंग्रेजी कैनन है सर, ये ब्रिटिश कैनन है सर, इस कैनन की मार्क क्षमता जो है 2 किलोमीटर रेंज, आपने पीछे जो देखा था जो बिल्डिंग ब्लास्ट हुई थी वो 1 किलोमीटर रेंज से ब्लास्ट की गई थी सर। ये वॉल के अपोजिट साइड का एरिया मिलिट्री के पास में, सामने वो पानी की सप्लाई के लिए स्टेप वेल्स बनाई गई थी जिसको बावड़ी बोला जाता है सर। बावड़ी के अंदर कुएं के अंदर स्टेप्स पाई जाती हैं और सादा कुएं के अंदर कोई स्टेप्स पाई नहीं जाती हैं सर। अगर कॉर्नर पे आप देखें तो ये अंग्रेज की क्रेब है, इसका नाम है जॉन रसल कॉलविन, 1857 की, 1857 में मंगल पांडे की क्रांति चल रही थी, मंगल पांडे ने इसको मेरठ में गोली मारी थी और ये वहाँ से जख्मी अवस्था में आया और आगरा में आकर इसकी डेथ हो गई, तो अंग्रेजों के शासनकाल में इसको यहीं पे दफना दिया गया। इसके मरने के 90 साल के बाद देश आज़ाद हुआ 1947 को सर। अगर उस गेट से कोई बंदा जब एंटर करके आया करता था तो रिस्पेक्ट करके इन होता था, लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज मराठा आए थे तो उन्होंने रिस्पेक्ट करने से मना कर दिया और डायरेक्ट एंटर करके यहाँ आ गए, तो औरंगजेब के कहने पर आपको इस चौथी लाइन में खड़ा किया गया, क्योंकि पहली लाइन है मिनिस्टर की लाइन, दूसरी लाइन है एम्बेसडर की लाइन, तीसरी लाइन लीगल एडवाइजर की लाइन, चौथी लाइन है पब्लिक की लाइन। पब्लिक की लाइन में खड़ा करने पर आपने विरोध जताया, विरोध जताने की वजह से दोनों में तूतू में होने के बाद में छत्रपति शिवाजी महाराज का पंजा औरंगजेब के बाजू पर लगा, उन्होंने इनको हुक्म दिया इनको बाइज्जत ले जाके मोती मस्जिद के पीछे साइड में नजर कैद कर दिया जाए। उसके कुछ समय के बाद वो संभाजी महाराज के साथ फल की टोकरी में या मिठाई की टोकरी में फ्रूट बास्केट के अंदर भाग गए थे सर। नाउ वी आर इज डन मस्जिद है, ये पर्ल मॉस्क है, उस जमाने में ताजमहल के बचे हुए पत्थर से इस मस्जिद का रिकंस्ट्रक्शन किया गया। ऐसे ही मोती मस्जिद एक दिल्ली फोर्ट के अंदर है जिसको औरंगजेब बादशाह ने बनवाई थी, इस मस्जिद को बादशाह शाहजहां के दौर में बनवाया गया था सर। इस किले में 4 मस्जिद जो है इस रॉयल पार्ट एरिया के अंदर है और अपोजिट साइड में जाने कितनी मस्जिद है इसको कोई कन्फर्म नहीं है सर, क्योंकि पहली मस्जिद अगर आप गौर से देखें तो कुएं के सामने बनी हुई है सर, कुएं अकबर के दौर की अकबरी मस्जिद है। सेकंड जो है शाहजहां के जमाने में ये मस्जिद बनाएगी और तीसरी मस्जिद जो है नगीना मस्जिद बनाएगी और चौथी मस्जिद जो है मीना मस्जिद बनाएगी जहां पे शाहजहां को 8 साल तक नजर कैद किया गया था सर। वो भी मस्जिद ही थी, ओरिजिनल कैनन बनी हुई है, ऊपर से इसमें गोला डाला जाता था, बिहाइंड साइड में इसमें आग लगाई जाती थी, इसकी मारक क्षमता जो है 2 किलोमीटर रेंज है सर, 2 किलोमीटर की रेंज से ये बिल्डिंग को डैमेज कर देती है, पूरी कास्ट आयरन के अंदर बनी हुई है सर। सामने से इसका फ्रंट करिएगा सर, घूमते हुए आप हम लोग आगे से आए थे जहांगीर महल से पूरा राउंड करने के बाद दीवाने खास दीवाने आम से होते हुए ये हम लोग ये टर्न होते हुए इस गेट पे हम लोग एग्जिट करेंगे सर। ये एग्जिट वाला गेट है सर, दिल्ली गेट बोलते हैं, दिल्ली गेट का दरवाजा नॉर्थ इधर है। अच्छा ये जो सीढ़ियाँ बनी हुई हैं ये शाम को यहाँ पे लाइट एंड साउंड का प्रोग्राम होता था, कोविड से बंद कर दिया गया सर, कोविड की वजह से इसको शाम को जो है इवनिंग समय में जब ये कोविड नहीं था तो उस वक्त जो है DVD को ऑन करते थे, ये सामने साइड में ये स्पीकर्स वगैरह लगे हुए हैं, यहाँ पे शाम को लाइट एंड साउंड का प्रोग्राम होता था, ये ऑडियो था वीडियो नहीं था, वीडियो होता तो यहाँ पर लेजर लगाया जाता सर। सर इस गेट से जब कोई पब्लिक डायरेक्ट एंटर करके आया करता था तो यहाँ पर रिस्पेक्ट करता था, स्ट्रेट 1, 2 एंड 3 इज अ स्ट्रेट लाइन ऑफ द किंग व्यू, यह है पिलर की डायरेक्शन, ये मुगल जमाने में जो है उस जमाने की इंजीनियरिंग हुआ करती थी सर।
तो बिल्कुल स्ट्रेट में नजर आ रहा है, क्योंकि यहाँ से आप खड़े हुए तो स्ट्रेट है, मिडल में खड़े हुए तो आपको स्ट्रेट नजर आ रहा था, मस्जिद के पास में खड़े हो जाएंगे तो स्ट्रेट आएगा। ये तीनों साइड में गेट बादशाह की निगाह पब्लिक के बीच में होती थी, बादशाह के जमाने में पब्लिक रिस्पेक्ट करके आ रही है या विदाउट रिस्पेक्ट करे ही जा रही है। सो गाइज, हमने वीडियो पूरा कर लिया है और अभी देखिए काफी पर्यटक लोग आते हैं, काफी दूर दूर से काफी भीड़ है यहाँ पर। देखिए अभी हम लोग चलते हैं यहाँ से, देखिए बहुत ही सुंदर गेट है ये। आप जो देख रहे हो छोटा सा ये लाइनटेन है, पहले तो बिजली नहीं थी पर लेकिन आग से जलाया जाता था, अब तो इसमें तार